हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर न्यू वीडियो। तो वो जैसे कि आपको पता ही है, मुझे एक स्टेशन पे बैन किया है अमेजोन फ्लिक्स ने। तो आपको लगेगा अभी बुराई करना चालू कर दिया। ऐसी बात नहीं, ये कब से टॉपिक पड़ा हुआ था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता था। और आपको पता ही है आपका भाई कितना बिजी रहता है। ओके, तो आज का ये टॉपिक यही है कि अमेजोन फ्लिक्स आपको सब जितने भी फ्लिक्स राइडर्स है उन सबको पता ही होगा कि आपको इंसेंटिव का प्रॉमिस करता है कि आपको मैसेज आता है कि इतना इतना काम करो हम इंसेंटिव देंगे। बाद में पता चलता है कि इंसेंटिव आया ही नहीं। ये हर किसी के साथ हुआ होगा। अगर आप पिछले 2-3 साल में काम कर रहे हो अमेजॉन फ्लेक्स के साथ, कभी कभी इंसेंटिव आ जाता है लेकिन कभी कभी आता ही नहीं। तो हम जब कस्टमर केयर से बात करते हैं अमेजॉन फ्लेक्स support@amazon.in, जो इनका मेल सपोर्ट है, वहाँ पे अब अगर आप मेल करते हो, आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बताया कि amazonflex-support@amazon.in पे आप मेल करो। ओके, पुराने उन सबको पता है, मेल करके आप उनसे पूछ सकते हो कि ये मैसेज आया आपका इंसेंटिव मिला नहीं। उनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, अगर आपको हमने कुछ मैसेज मेल किया है तो विद इन 15 डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं और कस्टमर केयर वाले वही बताते हैं। मतलब जो उनका मेल सपोर्ट है वो भी इतना सपोर्टिव नहीं है, उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। मतलब वो बोलेंगे कि आई एम ट्रांसफरिंग योर मेल टू सपोर्टिंग टीम, मतलब वो दूसरे को मेल ट्रांसफर करेंगे, तब तक कुछ नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ है, मैं स्टेशन पे गया हूँ, वही बोटरी स्टेशन, वहाँ पे जाने के बाद वो बोलते हैं हमारे पास पैकेट्स नहीं है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, पैकेट्स नहीं है तो हम कोड नहीं दे सकते। ओके, ऐसी बात। तो उसके बारे में मेल सपोर्ट को मैंने मेल किया तो वो बोलते हैं ठीक है, पैकेट्स नहीं है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते। लेकिन मेरा पैसा का क्या हुआ, वो भी मेरा पैसा नहीं मिला। ऐसे 2-3 स्लॉट्स से उसके मुझे पैसे ही नहीं मिले, क्योंकि जो स्टेशन वाले थे वो एक्चुअली कोड दे ही नहीं रहे थे, अराइविंग कोड जो रहता है वो दे ही नहीं रहे थे। मतलब अमेजोन इंडिया जो डिलीवरी राइडर्स है, मतलब जिनको आप पार्टनर समझ रहे हो, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, यही इसका मतलब होता है। और अमेजोन फ्लेक्स को ये समझना चाहिए, जो भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ओके, और उनको आप मेल राइट करने के लिए बोल रहे हो कि हमें मेल करो तब हम कुछ करेंगे। अमेजॉन फ्लेक्स को ये समझना चाहिए था कि आप कॉल पे ही इनकी दिक्कतें आप समझ लो, लेकिन जो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, जो अमेजॉन फ्लेक्स सपोर्ट का है, वो कॉल करने के बाद बोलता है कि आप मेल करो, हमारी तरफ से नहीं हो सकता। ओके, मतलब जिसको कुछ पहले से ही पता नहीं, अमेजॉन फ्लेक्स में 80% राइडर्स, इनको पता ही नहीं रहता कैसे मेल करते हैं, मेल में क्या टाइप करना है, तो वो क्या करें बेचारे। हम तो मेल टाइप करके कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेते हैं, लेकिन जिनको कुछ मेल टाइप ही नहीं करना आता है वो क्या करें। मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई मुझे मेल टाइप करके दो, मुझे कुछ पता नहीं यार, आप ही करके दो। मैं तो सबका नहीं करके दे सकता ना, लेकिन वो मेरे सब्सक्राइबर है, उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मेरे वीडियोज़ के थ्रू। मेरे वीडियोज़ इसलिए मैं बनाता हूँ, और अमेजॉन फ्लेक्स के ऊपर इतने वीडियोज़ बनाए मैंने। क्यों बनाए, क्योंकि जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा सा नॉलेज कम होता है, एकदम नए होते हैं, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। और अमेजॉन फ्लेक्स तो ऐसा कर नहीं रहे, इसलिए मैं अमेजॉन को यही कहूँगा कि आप अपने अमेजॉन फ्लेक्स प्रोग्राम को और इम्प्रूव करो। अगर आप इंसेंटिव का मैसेज भेज रहे हो तो वो प्रॉपर ट्रैक करो, इंसेंटिव मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो इंसेंटिव के लिए अलग टीम का एक नंबर जनरेट करो, ये हो सकता है। इतना आपके पास बड़ा टीम है, हो सकता है, लेकिन आप करते नहीं हो क्योंकि आपको इंसेंटिव शायद देना ही नहीं होगा। ओके, वो आपकी हो। ओके, तो यही होता है, अमेजॉन बहुत सारे फेक प्रॉमिस करता है,
अमेजॉन फ्लेक्स राइडर्स को कि हम इतना इंसेंटिव देंगे, इतना इंसेंटिव देंगे, आधा इंसेंटिव दे देता है। मतलब मैं ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही या फेक करता है, नहीं थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा राइडर्स के साथ हुआ है कि इंसेंटिव का प्रॉमिस हुआ और इंसेंटिव मिला ही नहीं। तो मैं चाहूँगा अमेजॉन फ्लेक्स से, मेरी दरख्वास्त है कि आप अच्छे से ट्रैक करें, अच्छे से कस्टमर सर्विस को अच्छे से बिल्ड करें। मतलब राइडर्स का डिलीवरी सर्विस मतलब जो देते हैं उनके कस्टम मतलब कॉल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे, उनको थोड़ा सा गाइड करे कैसे क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और आप सब जो देख रहे हो मेरे राइडर्स से, तो उन सबको यही मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आपने भी ऐसे कुछ दिक्कतें झेली है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए तो वीडियो मैं बनाता हूँ। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार फटाफट वीडियोस देखो तो फटाफट सब्सक्राइब भी करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।